अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाहिद इकबाल रिहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ईमो के बारे में। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर्स और स्काइप के बाद ईमो पर भी पाबंदी की इतलाआत, लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। व्यूअर्स, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने प्यारों से रबते के लिए सस्ते और आसान जराए का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सरफरस्त सोशल मीडिया पर एप्लीकेशन हैं जैसे व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर्स वगैरह है। तहम सऊदी अरब में इन एप्लीकेशन के ज़रिए ऑडियो या वीडियो कॉल करना ममनू है, जिनके पास लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अब एक और एप्लीकेशन पर भी पाबंदी आयद किए जाने की इतलाआत मौसूल हो रही हैं। सऊदी अरब में मुकीम अफराद में बड़ी तादाद इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तहम हुकूमत की जानब से इन पर पाबंदी के बायस अवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ममलिकत में रहने वाले अफराद व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम तो भेज सकते हैं, तहम उनके ज़रिए वॉइस या वीडियो कॉल करना नामुमकिन है। और यही आलम स्काई, फेसबुक मैसेंजर ऑनलाइन और दीगर एप्लीकेशन का भी है। इन तमाम एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद होने के बायस लोगों की बड़ी तादाद रबतों के लिए ईमो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब इस पर भी पाबंदी आयद किए जाने की इतलाआत हैं और मुल्क के बेशतर इलाकों में इसके ज़रिए रबता मुमकिन नहीं रहा है, जिसके बाद लोग शायद मायूस और परेशान हैं और अपने प्यारों से रबते के लिए फ़ोन का सहारा लेने पर मजबूर हैं, जो कि इंतहाई महंगा ज़रिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ईमो एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक काम कर रही थी और इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं थी, तहम आज इस एप्लीकेशन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और लोग इसके ज़रिए वीडियो और ऑडियो कॉल करने से कासर हैं और दीगर ज़राए की इतलाआत में मसरूफ़ हैं। वाज़ेह है कि दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली बेशतर सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ज़रिए सऊदी अरब में भी सिर्फ पैगाम भेजने का काम लिया जा सकता है और इसके ज़रिए ऑडियो या वीडियो कॉल करने की सहूलत मयसर नहीं है। तहम बहुत से लोग पर इसकी आक्सी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कॉल्स के लिए करते हैं, लेकिन इन अफराद की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है और ज़्यादातर लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तो व्यूअर्स, ये थी अब तक की टेक न्यूज़ में से जो टॉप न्यूज़ आ रही थी इस वक्त तक की, और मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं और इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप किसी भी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। और जाते जाते फिर कहूँगा कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।